रासायनिक खाद व जैविक खाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खादान भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्रयुक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।